बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय जी का, मंच पे बैठे हुए संयुक्त किसान मोर्चा के तमाम नेतागण, मेरे सामने पंडाल में बैठी हुई हमारी माताएं बहनें नौजवान साथी बुजुर्ग किसान, और पीछे तक कम से कम 10 से 12 किलोमीटर तक हमारे जो किसान भाई बैठे हैं और जहां तक आवाज जा रही है, आप सबको हाथ जोड़ के राम राम, सत श्री अकाल, सलाम, जय जवान, जय किसान। साथियों, आपका आंदोलन, हम सब का आंदोलन अब निर्णायक दौर में पहुंच चुका है। अब अपना किसान समाज जो पिछले लगभग 9 महीने से संघर्ष कर रहा है, वो किसान समाज अब जीत के मुहाने पे खड़ा है। जिनके खिलाफ हमारी लड़ाई चल रही है, उन लोगों ने अपनी आखिरी चाल चल दी है, और उस चाल से अब हमें सावधान रहने की जरूरत है। यदि उनकी वो चाल हमने विफल कर दी तो हम सब की जीत निश्चित है, इस आंदोलन की जीत निश्चित है। तीनों कड़े कानून वापस होंगे और एमएसपी गारंटी कानून बनेगा। उनकी आखिरी चाल को समझने की बहुत जरूरत है मेरे भाइयों। आपको सिर्फ एक ये छोटा सा संदेश देना चाहते हैं। आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों से, चाहे बात करें दिल्ली में या बात करें उत्तर प्रदेश के कई शहरों में, बीजेपी और आरएसएस के लोगों द्वारा हमारे समाज को जाति और धर्म के नाम पर लड़वाने के लिए दंगे जैसी सिचुएशन बनाई जा रही है। आपने देखा होगा किस तरीके से दिल्ली में जंतर मंतर पे बीजेपी और आरएसएस के दलालों ने आके एक धर्म विशेष के खिलाफ नारे लगाए और धार्मिक उन्माद पैदा करने की कोशिश करी। आपने देखा किस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर, कभी कानपुर में, कभी लखनऊ में, तो कभी सिसौली गांव में, हमारे समाज को धर्म, जाति और खापों के नाम पे बांटने का प्रयास बीजेपी और आरएसएस द्वारा किया जा रहा है। साथियों, सिसौली गांव में जो चौधरी राकेश टिकैत का भी गांव है, उस गांव में अभी कुछ दिन पहले भाजपा का विधायक गया, और उस भाजपा के विधायक का जब हमारे किसान भाइयों ने विरोध किया तो बीजेपी के मंत्री, बीजेपी के नेता संजीव बाल्याण ने किसानों को खुलेआम धमकी दी, और जब किसानों ने उसकी धमकी का मुंहतोड़ जवाब दिया तो उसके बाद उन्होंने समाज को खापों के नाम पर लड़वाने का प्रयास किया, उन्होंने खापों के नाम पर बांटने का प्रयास किया। लेकिन जब जिस खाप से वो बीजेपी का विधायक आता है, जब उस खाप ने भी समझदारी से खड़े होकर यह बात कही कि हम किसी बीजेपी के नेता के साथ नहीं हैं, हम तो उन किसानों के साथ हैं जो पिछले 9 महीने से दिल्ली के बॉर्डरों पे बैठ के संघर्ष कर रहे हैं, तो उसके बाद बीजेपी वालों के मुंह पे करारा तमाचा लगा। साथियों भाइयों, ये बीजेपी वाले प्रचार करते हैं कि धर्म खतरे में आ गया, जाति खतरे में आ गई, लेकिन आपको हम एक बात कहना चाहते हैं, ना तो कोई धर्म खतरे में आया है, ना कोई जाति खतरे में आई है, ना हिंदू खतरे में आया है, ना सिख खतरे में आया है, ना मुसलमान खतरे में आया है। आज कोई खतरे में आया है तो इन बीजेपी वालों की कुर्सी खतरे में आ गई है, इसलिए आपको यह जाति और धर्म के नाम पर लड़वाने का प्रयास कर रहे हैं। साथियों, ये बीजेपी के नेता कहते हैं कि धर्म खतरे में आ गया। हम इनसे कहना चाहते हैं, जिन नौजवानों के हाथ में कलम, किताब, रोजगार होना चाहिए, जिन किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य मिलना चाहिए, आज उन लोगों को गोदी मीडिया के माध्यम से धर्म और जाति के नाम पे भड़काया जा रहा है। लेकिन इन जितने भी ये राजनेता हैं, बात कर लो आप अमित शाह की, अमित शाह का बेटा जय शाह, ना उसने कभी क्रिकेट खेला, ना कभी वो क्रिकेट का कोच रहा, लेकिन वो बीसीसीआई में जनरल सेक्रेटरी बना दिया गया, जहां पे एक साल में कई हजार करोड़ रुपए की खुली लूट वो करने का काम करता है। एक किसान को उसकी फसलों का मूल्य नहीं मिलता, एक नौजवान को
मेहनत करने के बाद रोजगार नहीं मिलता। लेकिन वो जैसा ऐसा कौन सा धंधा करता है अमित शाह का बेटा जो एक साल में 16,000 गुना अपनी प्रॉपर्टी बढ़ा गया। ये सारी चीजें हमें समझनी पड़ेगी साथियों। यदि हम धर्म और जाति से ऊपर उठ के जिस तरीके से पिछले 9 महीने से ना तो हम हिंदू बने ना हम सिख बने ना हम मुसलमान बने, हम सबसे पहले देश के किसान और नौजवान बने और हमने मोदी सरकार के घुटने टकवाने पर उनको मजबूर कर दिया। साथियों आगे भी अगर इसी तरीके से एकजुट रहेंगे तो जितने भी राज्यों में चुनाव है हर जगह बीजेपी की हार होगी, हर जगह बीजेपी का सुपड़ा साफ होगा। बस आप अपना भाईचारा इसी तरीके से कायम रखियो, जीत हमारी निश्चित है मेरे भाइयों। कुछ लोग पूछते हैं, कुछ लोग अक्सर कहते हैं कि आंदोलन ने क्या दिया, कुछ लोग कहते हैं कि आंदोलन ने अब तक क्या हासिल करा। तो उन लोगों से हम सिर्फ एक बात कहना चाहते हैं, अभी कुछ दिन पहले हरियाणा के एक जींद के खटखट टोल से सैकड़ों नौजवान आए थे अपने गांव का पवित्र जल अपनी पवित्र माटी लेके। उन्होंने इसी पंडाल पे इसी स्टेज पे आके कहा कि जो पवित्र जल हम लेके आए हैं ये पवित्र जल किसी मूर्ति पे नहीं चढ़ाएंगे, बल्कि इस पवित्र जल से जो इस पंडाल में पंजाब का सबसे बुजुर्ग किसान बैठा है उस पंजाब के बुजुर्ग किसानों के चरणों को हम धोएंगे। तो जींद से जो नौजवानों का जत्था आया था उन्होंने पंजाब के बुजुर्ग किसान के चरणों को यहां पे धोया। तो भाइयों जो पिछले 75 सालों से हमारे समाज को कभी धर्म के नाम पे, कभी जाति के नाम पे, कभी पानी के नाम पे, कभी किसी और नाम पे बांट दिया गया था, वो आज हमारा भाईचारा इस आंदोलन ने दोबारा से इकट्ठा कर दिया, ये भाईचारा दोबारा से मजबूत कर दिया। ये इस आंदोलन की आज तक की उपलब्धि है, ये इस आंदोलन की आज तक की कामयाबी है। एक अंतिम बात और कहना चाहूंगा साथियों, अक्सर बुजुर्ग कहते हैं कि भाई जो झूठ बोलते हैं उनको बड़ा सावधान रहना पड़ता है। कोई आदमी अगर झूठ बोलता है तो उसको अपनी अगली बात बहुत सोच समझ के बोलनी पड़ती है, क्योंकि उसने ये डर होता है भाई कदे पिछला झूठ ना पकड़ा जावे। लेकिन एक बात तो कहनी पड़ेगी, प्रधानमंत्री मोदी की एक तारीफ तो करनी पड़ेगी। इतना झूठ बोलते हैं कि पूरी दुनिया में यदि झूठ बोलने का कंपटीशन हो जाए तो मोदी सरकार को झूठ बोलने के कंपटीशन में गोल्ड मेडल प्राप्त होगा। और सबसे बड़ी बात, जो झूठ बोलते हैं इतना कॉन्फिडेंस से झूठ बोलते हैं भाइयों। 2019 में कहा कि देश के लोगों को 100 लाख करोड़ देंगे, 2020 में कहा कि देश के लोगों को 100 लाख करोड़ देंगे। पूरा देश और पूरी दुनिया जानती है कि 100 लाख करोड़ का तो हमारा बजट भी नहीं। प्रधानमंत्री 2 साल से झूठ बोल रहे लाल किले से, लेकिन अब की बार भी वो झूठ बोल दिया और कहा कि भाई हम 100 लाख करोड़ देंगे। साथियों हमने एक चीज समझनी पड़ेगी, जो आदमी झूठ बोलता है उसका झूठ अक्सर पकड़ा जाता है। एक तरफ प्रधानमंत्री लाल किले से कहते हैं कि छोटे किसान को देश किसान बनाएंगे, लेकिन इनको हम कहना चाहते हैं कि छोटे किसान को क्या चाहिए, छोटे किसान को सरकार की सबसे अधिक मदद चाहिए। छोटे किसान को चाहिए कि उसकी खेत के अधिक से अधिक नजदीक पे एपीएमसी मंडी हो, सरकारी मंडी हो। लेकिन एक तरफ सरकार कहती है कि छोटे किसान ने देश किसान बनाएंगे, लेकिन दूसरी तरफ इन 3 काले कानूनों के माध्यम से सरकारी मंडियों को बंद करने का काम कर रही है। साथियों सरकार कहती है कि नए कानून आने के बाद कोई भी किसान अपना सामान कहीं भी जाकर बेच सकता है। हम आपसे पूछना चाहते हैं, क्या 3 से 4 एकड़ का किसान बंबई में जाके बेंगलोर में जाके अपना सामान बेच सकता है क्या? भाइयों मुझे बताओ आप, क्या अपना सामान बेच सकता है क्या? उसका इतना तो किराया लग जाएगा जितनी उसकी फसल नहीं बिकेगी। तो ये मोदी सरकार झूठ बोलना बंद करे, ये झूठ बोलने के गोरख धंधे पे विराम लगाए और इन किसानों की इस देश के अन्नदाता की मांगों को पूरा किया जाए। आज इनका गांव में यह हाल हो गया है कि इन्होंने एक गेहूं बांटने की योजना शुरू करी। किसान भाई
इनके पोस्टर इनके बैनर कहीं नहीं लगने दे रहे। तो अब इन्होंने क्या कराया कि जो गरीब लोगों को गेहूं बांट रहे हैं उसके ऊपर एक मोदी का फोटो, हरियाणा में एक खट्टर का फोटो, एक फोटो दुष्यंत चौटाला का फोटो, उस कट्टे के ऊपर उस किसान का कोई फोटो नहीं जिस किसान ने उस अनाज को पैदा किया, जिस किसान ने अपनी खून पसीने की मेहनत कमाई से उस गेहूं को पैदा किया, उस किसान की फोटो इनने नहीं लगाई। लेकिन बेशर्मी के साथ इन तीनों लोगों ने अपनी फोटो लगा ली, जो शायद ईख और जवार का फर्क नहीं बता सकते, आज वो फोटो लगाकर अन्नदाता बनना चाह रहे हैं। साथियों आप एकजुट रहना, आप मिलजुल कर रहना, जीत आपकी निश्चित है, मोर्चा हम जीतने के करीब पहुंच चुके हैं। एकजुट रहना, जिस तरीके से अर्जुन का निशाना मछली की आंख पर था उसी तरीके से हमारा निशाना सिर्फ एक होना चाहिए कि तीन काले कानून रद्द कराओगे और एमएसपी की गारंटी का कानून बनाओगे। इस चीज के अलावा हमने और चीज कोई नहीं दिखनी चाहिए, हमारा निशाना सिर्फ अपनी दो मांगों पर होना चाहिए। अंत में साथियों आपसे निवेदन करूंगा कि दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार नारे लगाऊंगे, जिनकी रगों में किसान का खून है, जो किसान के खेत की रोटी खाता है, जिसके अंदर का जमीर पैदा है, जो अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करना चाहता है, वो अपने दोनों हाथ ऊपर करके नारे जरूर लगाऊंगा, किसान एकता जिंदाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, किसान विरोधी सरकार मुर्दाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद।